नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वीर शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा देश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरिद्वार नगर द्वारा विजय दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया गया। हरिद्वार जिले में एक साथ अलग अलग स्थानों पर स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर विषय पर वक्ताओं ने आज़ादी से पूर्व के संघर्ष और विलुप्त हुए इतिहास पर प्रकाश डाला। साथ ही स्थानीय स्तर पर देश की आज़ादी में भूमिका पर चर्चा की। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व सैनिक और शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर मायापुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आरएसएस के क्षेत्र प्रचार प्रमुख पद्म सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई में हरिद्वार की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वाधीनता मिली, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। 1822 में रुड़की के कुंजा बहादुरपुर में वीर गुर्जर राजा विजय सिंह के नेतृत्व में पूरे के पूरे गाँव ने विद्रोह का बिगुल बजाया। उसके साथ ही गाँव कटारपुर में गो स्मारक का स्मरण करते हुए उन्होंने बताया कि गोहत्या को लेकर महंत राम रतन पुरी महाराज के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ। यही नहीं, 1857 की क्रांति के योद्धाओं को भी हरिद्वार के नागा सन्यासियों ने भी अध्यात्म शक्ति से बल दिया था और नीलगिरी पर्वत के पास सन्यासियों की गुफाओं में गुप्त चर्चाएं हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि आज की वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि वह भविष्य की पीढ़ी को अपने देश के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराए। उन्होंने कहा कि जब जब हमें अपने गौरवशाली इतिहास का स्मरण होता है, तब तब हमारी ऊर्जा का संचार सकारात्मक दिशा में होने लगता है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्वालापुर के वरिष्ठ स्वयंसेवक शिव कुमार भक्त ने की और मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कालीराम विभाग बौद्धिक शिक्षक प्रमुख रहे। भारत माता की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में अनेक स्वयंसेवकों और संघ के अनुषांगिक संगठनों और क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त कनखल क्षेत्र में गौतम फार्म हाउस और मध्य हरिद्वार में शुभारंभ पैलेस में कार्यक्रम आयोजित हुए।